देश में 543 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। हम में से बैठा हुआ कोई भी इंसान किसी एक सीट का उम्मीदवार नहीं है। ये इस वक्त मौजूदा हालात में देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो आर्थिक हालात हैं, महंगाई जिस तरीके से इस देश के आम लोगों की जान निकाल रही है, बेरोजगारी जिस तरीके से ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा है, और रोज बरोज अमीरी और गरीबी की जो खाई बढ़ती जा रही है, एक तरफ तो कुछ लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बन गए हैं, दूसरी तरफ स्थिति यह है कि दिनों दिन पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है उसका हिस्सा घटता जा रहा है। खरीदने की सामान को, जरूरत की चीजों को खरीदने की आम लोगों की शक्ति कम होती जा रही है। हमको लगता है कि विकास के जिस गति को यूपीए सरकार ने आगे बढ़ाया था, ना सिर्फ उस पर विराम लगाई गई है, बल्कि जो देश में धन संपत्ति पैदा हुआ पिछले 20 सालों में, 10 साल के भीतर ही उसको निचोड़ करके कुछ गिने चुने दो चार लोगों की तिजोरियों में पहुंचा दिया गया है। एक नौजवान होने के नाते, इस देश का एक साधारण नागरिक होने के नाते, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हमको आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा कि जब देश लुट रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, चंदा दो और धंधा दो ये खेल चल रहा था, तब हम क्या कर रहे हैं? जब इस देश को अंग्रेज की नीतियों के तहत फूट डालो और राज करो, देश को बांटने की साजिश चल रही थी, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि हम क्या कर रहे थे। तो मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, हम तमाम बैठे हुए लोगों के लिए एक सीट बनना, एक सीट प्राप्त करना, एक एमपी बनना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इस देश की संविधान के शासन को बचा करके रखना, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जिसको महात्मा गांधी के आदर्शों पे बनाया गया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पे बनाया गया, जिसके विजन पे यह देश चला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। रोज उनको देश की सर्वोच्च संस्था में गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करना उसके खिलाफ है। देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि इस देश के नौजवानों का भविष्य छीना जा सके। इसीलिए हम यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी व्यक्ति पर कोई टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं आए। हमारे पास दिल्ली के लिए, दिल्ली की 7 सीट के लिए और देश की 543 लोकसभा सीट के लिए एक सकारात्मक एजेंडा है, और वो सकारात्मक एजेंडा ये है कि चाहे आप महिलाओं की बात करें, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, और महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया अगर इस देश में संपत्ति पैदा हो रही है तो उस पर महिलाओं का भी अधिकार है, तो कैसे प्रति महीने उनको 8,500 रुपया सुनिश्चित किया जाए, हम उस एजेंडे के साथ आए। नौजवानों को जो पढ़े लिखे हुए हैं, अगर डिग्री है तो नौकरी है, इसकी गारंटी कैसे की जाए, कैसे पढ़े लिखे नौजवानों को 1 लाख रुपया अप्रेंटिस योजना के तहत उनको दिया जाए, कैसे, जैसे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो मनरेगा लाया गया, काम की गारंटी की गई, तो जब दिल्ली में हम 7 सीट जीतेंगे तो शहरी क्षेत्र में भी हम कैसे शहरी क्षेत्र के लिए मनरेगा ला पाएंगे, देश के किसानों के लिए, अगर इस देश में बड़े धन पशुओं का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता।